सर ये मैं पानी मुंह में नहीं, आज अपने मुंह पे मारूंगी, समझ रहे हैं आप? ठंडा पानी बिल्कुल चिल्ड, आप दे सकते हैं, इसमें बर्फ है, बर्फ है ना। और मैं बहुत ऐसे सोच रही थी कि बस आज पानी जो है, मैं पानी की एक बूंद जो है मुंह में नहीं लूंगी, आज मैं अपने फेस में लूंगी। आखिर ऐसा क्यों भाई? एक तो बर्फ है पूरा, और फिर आप अपने ऊपर सेट पे भी हैं आप। कोई बात नहीं सर, काम होता रहेगा, यहाँ जिंदगी किसी चली गई, किसी का कोक उछड़ गया, आपको क्या दिखता है? काम जरूरी है मेरे लिए आज, किसी ये दल्ले दलाल जो है ना, कुछ नहीं करने करने वाला। आपके साथ हुआ है सर? मेरे साथ तो खैर मुझे टारगेट किया गया है, पर बाबा जी का ठुल्लू कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका, क्योंकि मैं होटल है सर। जी जी, ये मैं चाहती हूँ ये, और इसमें पानी है, ये पानी कह सकते सर, सब गूंगे हो चुके हैं, क्योंकि मनी भाई चल रहा है इस टाइम, दबा के जो बोले उसके मुंह में ठूस दो, उसके बैंक में ट्रांसफर कर दो, उसका अकाउंट जो है एकदम लाखों रुपए से भर दो। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का, दोस्तों मैं ध्रुव लाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं BCT मीडिया। हमारे साथ में बैठी हैं एक्ट्रेस मधु, यानी कि भोजपुरी की सनसनी। सनसनी इसलिए कहेंगे कि जो भी है, जो हकीकत है उसको खुलकर रखती हैं लोगों के बीच में। इसी वजह से मैंने भी सोचा कि इनका जो व्यक्तिगत विचार है भोजपुरी में चल रहे तमाम प्रकार के षड्यंत्र, तमाम प्रकार के जो वाद विवाद, अपवाद और बहुत कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन पर जो है हम आज बात करेंगे मधु जी से। तो बने रहिए चैनल पर, आइए मिलवाते हैं एक्ट्रेस मधु से। जी मधु जी, स्वागत है आपका BCT। नमस्कार आपको सर, और आपके चैनल के सभी श्रोतागणों को, भोजपुरी समाज को दिल से नमस्कार। कैसी हैं आज? तो बड़ा मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा व्यस्तता था। हाँ बहुत ज़्यादा, बस फाइनली अभी थोड़ा सा फ्री हुई हूँ और टाइम मिला है, तो सोचा कि चलो आपसे और पब्लिक से कुछ बात किया जाए। अच्छा, आए दिन जो है भोजपुरी में एक से बढ़कर एक कंटेंट तो वैसे आते ही रहे हैं, तमाम तरह के वाद विवाद अपवाद आते ही रहे हैं, लेकिन एक हाल ही में भोजपुरी को बहुत बड़ा क्षति लगा है, बहुत बड़ी घटना घटित हुआ है भोजपुरी का जो फिल्म इंडस्ट्री है, यानी कि आकांक्षा दुबे जी का बात कर रहे हैं, उनका सुसाइड हुआ या मर्डर हुआ अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन क्या कहना चाहेंगी इस विषय में? क्या सुरक्षित हैं अभिनेत्रियाँ भोजपुरी में, या अभिनेत्रियों के साथ शोषण हो रहा है, या किस प्रकार से लोग जो है प्रताड़ित कर रहे हैं, क्या कहना है इस पर आपका? क्या बोले, अभी तक शरीर तो एक तरफ से जा चुका है, जल चुका है, राख हो चुका है, लेकिन वो बेटी, एक माँ की कोख से जन्मी हुई बेटी, जिसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, कहाँ है सब लोग, कहाँ है सब लोग, मैं जानना चाहती हूँ। सब लोग तो आ जाते हैं सोशल मीडिया पे, जो है बोल देते हैं, हर प्रकार से वो कर देते हैं, जो है सपोर्ट के लिए सोशल मीडिया कुछ भी लिख देते हैं। गलत है सर, गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं ये कहूँगी एक इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है, और जस्टिस फॉर आकांक्षा जी को जस्टिस मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, और बहुत दिन से 21 दिन आई थिंक 3 हफ्तों से ज़्यादा ये वाद विवाद चल रहा है, और अभी तक जो है कुछ नहीं कहा जा सकता, बहुत चीज़ों को दबाया गया है, और मेरी तरह बहनें जो हैं, बहुत सारी बहनें, माताएं, बहुत लोगों ने बातें रखी हैं मीडिया के सामने, हर तरीके के सवाल जवाब दिए हैं, लेकिन अभी तक जो है कुछ नहीं कह सकते सर, सब गूंगे हो चुके हैं, क्योंकि मनी भाई चल रहा है इस टाइम, दबा के जो बोले उसके मुंह में ठूस दो, उसके बैंक में ट्रांसफर कर दो, उसका अकाउंट जो है एकदम लाखों रुपए से भर दो, एकदम चुप, मतलब बिकाऊ साबित करना चाह रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब पैसा बोलता है सर, ये है ना मनी भाई, मतलब ऐसे ही शोषण होता रहेगा, और जब कोई इसके प्रति आवाज उठाना चाहेगा तो उसको जो है पैसे से उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा। सब दल्ले दलाल हैं, सब टोटली दल्ले दलाल हैं, क्या इंसाफ दिलाएंगे? मैंने लास्ट टाइम भी अनदर चैनल पे इंटरव्यू दिया था, मैंने मांग भी की थी कि जस्टिस फॉर आकांक्षा दुबे जी, उनकी माँ को, उनके परिवार को, और पूरे जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, या जितने भी लोग हैं, सब लोग को एक तरफ से थी आस कि उनको इंसाफ मिलेगा। सर कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है कि चीज़ें दबा दी गई हैं और दबाई ही जा रही हैं। फिलहाल मैंने देखा कि समर सिंह जी का भी सॉन्ग रिलीज हुआ है, क्या सच में समर सिंह जी ने उनका मर्डर किया है? ये तो मैं नहीं कह सकती, ना मैं वहाँ थी, और ना ही मैं चीज को फिर बोल सकती हूँ कि हाँ उन्होंने किया या किसी और ने किया या प्लानिंग के अकॉर्डिंग किया, ये नहीं कह सकती।
लेकिन सच में ये सुसाइड वाला मर्डर केस नहीं है सर, इसे मर्डर ही बोला जाएगा। ये सुसाइड वो लड़की कर ही नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारी देखिए मैं जितना जानती हूँ, जितना मैंने देखा, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने सब जगह चैनलों पे देखा है, तो मैं इतना जानती हूँ कि चीज़ों को अलग अलग करके चीज़ें दिखाई जा रही हैं। सब चीज़ टोटली मतलब जैसे हम लोग तो खैर एक गाने का वो होता है कि एल्बम में काम करते हैं, हम एल्बम आर्टिस्ट हैं, हम अपना कला करते हैं, परफॉर्म करते हैं, हर चीज़ देख के करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ना कि बॉटल है सर जी जी, ये मैं चाहती हूँ ये, और इसमें पानी है, ये पानी मैं चाहती हूँ कि हम सब होश में आ जाए। हम लोग तो कोशिश करते हैं कि जो हकीकत हो सामने आए, प्रताड़ना तो आप लोगों को ये दल्ले दलाल जो है ना कुछ नहीं करने करने वाले, सरकार कह लो या अपने ही लोग कह लो, सब लोगों ने मामला जो है ना बस रोक एकदम बंद करने की कोशिश किया है। तो मैंने तो खैर ठंडा पानी डाल लिया अपनी आंखों और पूरी बॉडी पे कि अपने आप को संतुष्ट कर लूं कि आज जो है आकांक्षा दुबे जी का नंबर था, कल हमारा नंबर होने वाला है। सर ये मैं पानी मुंह में नहीं, आज अपने मुंह पे मारूंगी, समझ रहे हैं आप, ठंडा पानी बिल्कुल चिल्ड आप दे सकते हैं, इसमें बर्फ है, बर्फ है ना। और मैं बहुत ऐसे सोच रही थी कि बस आज पानी जो है मैं पानी की एक बूंद जो है मुंह में नहीं लूंगी, आज मैं अपने फेस में लूंगी। आखिर ऐसा क्यों भाई, एक तो बर्फ है पूरा और फिर आप अपने ऊपर सेट पे भी हैं आप, कोई बात नहीं सर, काम होता रहेगा, यहाँ जिंदगी किसी चली गई, किसी का कोक उजड़ गया, आपको क्या दिखता है, काम जरूरी है मेरे लिए। आज किसी किसी की बेटी गई है, उसको आज तक अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, और आप बोल रहे काम की, काम काम क्या है, पैसा पैसा क्या है जरूरत, वो भी कुछ टाइम तक के लिए, ये पैसा ये सब यही रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ करनी करनी से बोलते हैं करनी, जो हम लोगों के लिए एक सेवा, जिसे सेवा का रूप बोला जाता है, जिस चीज को हम समझ नहीं पाए। आप पानी डाले हैं चेहरे पे, क्या है मतलब, क्या होश में लाने की बात मैं कर रही हूँ सर। अच्छा, ये मैं होश में लाने की बात कर रही हूँ, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में दर्शाया गया इन चीज़ों को कि उनका सुसाइड हुआ प्लानिंग के अकॉर्डिंग। अभी तक जो वहाँ पे वो जो इस होटल में स्टे थी आकांक्षा दुबे जी, अभी तक वहाँ के जो ऑनर थे, रिसेप्शनिस्ट थे, या जो लोग इन्वॉल्वमेंट थे आकांक्षा जी के साथ, उन लोगों के साथ में अभी तक एक्शन लीगल क्यों नहीं कार्रवाई की गई सही तरीके से, आप बताइए क्यों नहीं कोई आवाज उठा रहा है इस चीज के लिए, क्यों लोग मुंह बंद रखे, मैटर को दबाया जा, बिल्कुल दबाया जा रहा है। ये दल्ले दलाल है ना, ये जितने बैठे हैं कैमरे के पीछे, और जितने भी, मैं माफी चाहूंगी मैं आज ये बातें बोल रही हूँ, बट ये चीज मैं बोल सकती हूँ कि हाँ 100% कि दिल्ली में निर्भया कांड और यूपी बिहार में हमारी आकांक्षा दुबे जी के साथ में इतना बड़ा कांड हो गया, अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। उनकी माँ रोज जो है इंटरव्यू दे रही है, उस माँ से पूछो, उस माँ से पूछे कि वो अपने दिल पे कितना हाथ रख के, या जो भी है वो किसको किस तरीके से बयां करें कि वो किस पीड़ा में, उन्होंने अपना कोक खोया है, एक जवान बेटी खोई है। एक इंटरव्यू के माध्यम से मैंने देखा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो भी जो है सवाल करता है, जो आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, उसको खरीद लिया जाता है, पैसे दे दिए जाते हैं, फिर उनके बयान बदल जाते हैं। कैमरे पे तो पहले सब आके जो है दुनियादारी करता है, लेकिन कुछ दिन के बाद उनके कैमरे पे ही बयान बदल जाते हैं, क्या है सर? सब प्लानिंग है, और मैं ये कहूँगी सब चीज़ें प्लानिंग हो रही हैं कि कुछ भी हो बस ये मैटर दबा दिया जाए, बस ये बात जो है ज़्यादा, एक महीना देखिए 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, 21 दिन से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, और अभी तक जो है देखिए फैमिली स्ट्रांग हो या ना हो, लेकिन उनकी माँ अभी भी लड़ रही है, ठीक है, कानून स्ट्रांग नहीं लग रहा मुझे, सब लोग दल्ले दलाल है यहाँ पे, दल्ले दलाल चटनी चोर जितने भी हैं, खिचड़ी पकड़ी इन लोगों में जलेबी की तरह, सब एकदम से बस लगे हुए हैं कि बस कैसे भी करके बस रोना धोना लगा रहेगा, पब्लिक ये करेगी वो करेगी, फिर दबा दिया जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है सर, कुछ भी नहीं। और यहाँ तक कि मैं भी अपने आप को मना चुकी हूँ कि एक मूवी समझ के, जैसे हम सोचते हैं ना कि यार मूवी में ऐसा ऐसा स्क्रिप्टेड वाले सब चीज़ें होती है, अरे बैंचोदो ये तो रियल हो गया, ये तो रियल कांड हो गया, दिल्ली में निर्भया कांड और यूपी बिहार में हमारी आकांक्षा दुबे जैसी स्टार हमने खो दिया इस फील्ड में, आप बताइए आज आकांक्षा जी के साथ में ऐसा हुआ है, कल हमारे साथ होगा। मैं तो बार बार सोचती रहती हूँ कि आज से 2 साल बाद या 1 साल बाद या जब भी कह लो आप, कुछ ऐसा घटित होगा तो पब्लिक क्या है, पब्लिक क्या, मैं क्या बोल सकती हूँ, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, सबने मिलजुल के आवाज उठाई मैं मानती हूँ, पर अभी तक इंसाफ क्यों नहीं हो रहा, क्या सरकार कमजोर है,
क्या फैमिली बैकग्राउंड जो है कांशा दुबे की माँ जी? समर को पकड़ा गया, फिर जो है जेल में डाल दिया गया है, और 306 का जो है 306 के तहत जो है धारा 306 के तहत जो है उनको गिरफ्तार किया गया, धारा लगा है। किस लिए? उम्र कैद करने के लिए खाली? ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए, ऐसे लोगों को, इन चूतिए जैसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए, या तो पब्लिक के हवाले कर दो जो आकांक्षा जी के साथ में, उनकी फैमिली के हवाले कर दो, जो उनके वो उन लोग को क्या करना है कैसे करना है वो समझेंगे। लेकिन एक बेटी जो है, एक माँ ने अपनी खो दी है, वो बेशक से अच्छा, फील्ड में देखा थी। है कई लोगों के तमाम तरह के जो है कमेंट रहे हैं जी। कि जो है एक दूसरे को लोग दोनों प्यार करते थे, लिव इन रिलेशन में रहते थे। सर ये उनका पर्सनल मैटर है सर, सभी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, किसने बोला? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो खैर आपको पता है नॉर्मली यह चीज़ें, वो पर्सनल मैटर है, वो काम को लेके था या हम कुछ और ही कह लें, लेकिन जिनको शादी करनी होती ना वो कभी ऐसी गलत चीज़ें नहीं करता, एक इंजॉयमेंट। क्या लगता है आपको कि जैसे मैंने देखा है बहुत से कमेंट ऐसे हैं कि पहले जो है भोजपुरी में आर्टिस्टों को या एक्ट्रेसों को प्यार के झांसे में लाया जाता है, यूज किया जाता है, फिर उनको जो है प्रताड़ित करके छोड़ दिया जाता है, ऐसे ही, क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, वो तो होता ही है सर। आपके साथ हुआ है सर? मेरे साथ तो खैर मुझे टारगेट किया गया है, पर बाबा जी का ठुल्लू कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका, क्योंकि मैं निडर लड़की हूँ, आई एम अ स्ट्रांग वुमेन, और आई थिंक इसी वजह से मेरी जो काबिलियत है, जो स्टैमिना है, कॉन्फिडेंट है, तभी मैं आपसे बात कर पा रही हूँ सर। फाइनली मैं अपने आप को ही मना रही हूँ कि कब जो है एक दिलासा दे रही हूँ अपने आप को झूठा कि कब और कितना वेट करूँ, कितना वेट करूँ कि जस्टिस फॉर आकांक्षा दुबे जी, सीनियर आर्टिस्ट थी, बहुत ही अच्छी चुलबुली स्टार थी वो, और खैर मेरा तो कोई कनेक्शन नहीं है उनसे, बट फिर भी देखो मैंने बता दिया आपको सर कि यहाँ पे जितने भी हैं ना सिर्फ और सिर्फ पैसा चलता है, पैसा 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 पैसे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, काफी टाइम से आप जो है इस बात को लेकर कह रही हैं, क्या मैटर है आखिर पैसा? लोगों ने ना जो समर सिंह जी हैं या जो भी है, जिसका भी प्लानिंग था, मैं देखो नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि हम नहीं जानते किसने किया है किसने नहीं किया, लेकिन सब समर जी को बोल रहे हैं कि समर जी, सारा जो है उंगली सिर्फ समर जी के ऊपर है, सिर्फ समर जी भाई करेंगे, उनके साथ में जो था साथ में काम करने का जो भी लाइफ स्टाइल, घूमना फिरना जो भी है वर्क के अकॉर्डिंग, उनके साथ में आकांक्षा जी, लोग बता रहे थे कि बहुत उन्होंने सपोर्ट किया, आकांक्षा जी को पैदा किया, आकांक्षा जी समर सिंह जी के बिना अधूरी थी, जो भी बात है। तो मेरा मानना है ना, ये उंगली है, ये उंगली समर सिंह जी पे तो लगाओ, लेकिन मेन है कि किसने गलत किया है, पहले चीजें जो है जांच जो हुई है क्या नहीं, बट सामने तो लाओ, कब देंगे, कब सामने करेंगे? लाने का जब बात आता है तो पैसा वहां चला जाता है। पैसा नहीं, वो गू होता है, वो मुंह में या जेब में या बैंक अपने किसी चीज में डाल दिया जाता है। जिसकी वजह से ऐसे लोग हैं जो ऐसा मतलब घटिया हरकत को अंजाम दे रहे, मुझे लगता है पहले आवाज उठाते हैं फिर मुझे ये लगता है कि पक्का मेरा दिल बोलता है कि ये सारा काम मॉडलों का होगा, जहां तक मेरा दिल बोलता है कि उसे मरवाया गया है, जेलसी फील। मैं देखिए मैं श्योर नहीं हूँ कि समर जिंग ने कराया है, मैं ये भी श्योर नहीं हूँ कि और लोग का हाथ नहीं, इसमें सबका हाथ है, सबका हाथ है सर। हाँ बिल्कुल, देखिए उन्होंने लोन लेके अपना मुंबई में एक फ्लैट जो है लोन पे किश्त पे घर बनवाया, एक गांव से निकल के लड़की बाहर जाती है मुंबई जैसे एक पब्लिक फेमस जगह पर, वहाँ वो घर लेती है, पूजा पाठ कराती है और काम करती है, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया, काम इतना अच्छा चल रहा था और अचानक से सुनने में आया कि आकांक्षा दुबे जी ने सुसाइड कर लिया। तो मैं नहीं मान सकती सर, ये मेरा दिल बोलता है मैं नहीं मान सकती, या तो कुछ लोगों का इसमें हाथ है, मैं नहीं बोल सकती कि इसमें स्टाफ का हाथ है उनके जिनके साथ में वो काम करती थी, या जो आकांक्षा जी के साथ में उनकी दोस्त थी, सखी सहेलियां थी, कुछ भी है। देखिए आज आकांक्षा जी का शरीर जो है वो नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा आज भी इंसाफ मांग रही है सर, आज भी इंसाफ मांग रही है, और मेरा मानना यही है कि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा ना तो याद रखना ऊपर वाले की लात बहुत तेज पड़ती है, आज नहीं तो कल नहीं तो कभी ना कभी जरूर सामने आएगा। लेकिन सर क्या बोल सकते हैं, हम लोग भी एकदम से चुप हो गए, हमें भी डर है अंदर से। डर किस बात का? डर इस बात का है कि जब इतनी अच्छी फेमस स्टार सीनियर स्टार के साथ में ऐसा हो गया तो हम तो खैर बहुत ही नीचे
नीचे कैटेगरी के स्टार हैं, हम तो एल्बम करते हैं पर डे, रोज का हम 20-30 गाना करते हैं। और सीधी सी बात है कि मैं बस इसलिए शॉक्ड हो चुकी हूँ कि अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, और आकांक्षा जी को, हमारी उनकी माता को, उनके परिवार को। अब पहली बात, जब परिवार को इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग भी कब तक बोलेंगे सर। उनकी माँ रोज रोती है, उन्होंने जवान अपनी बेटी खोई है। ये सिलसिला लगभग 2012 से हमारे पास रिकॉर्ड है जी। 2012 से लेकर 23 के बीच में 4 अभिनेत्रियाँ सुसाइड कर चुकी हैं, वो भी बड़े स्टारों के प्यार के चक्कर में। और जो है ये पाँचवा मैटर है आकांक्षा दुबे का। होता क्या है कि पहले जो है आर्टिस्ट जो होते हैं, जो स्टार कास्ट होते हैं, लड़कियों को लव के चक्कर में फंसाते हैं, और फिर जब अपडेट होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कुछ नहीं हाथ में आता, वो सुसाइड ही करती है। हमारे पास रिकॉर्ड है 4 ऐसी अभिनेत्रियां सुसाइड कर चुकी हैं। क्या ये गलत होता है कि स्टारडम के पीछे पड़ के लड़कियां स्वयं जो है अपने आप को फंसा लेती हैं, या प्यार के चक्कर में, या जानबूझ के ऐसा कर लेती हैं? सर, सपोर्ट तो देखिए चाहिए होता है, और लिंक जिसे बोला जाता है, लिंक्स, जो अनोन पर्सन आएगा, कोई भी आएगा, आपको पता ही है, मैं चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करना चाह रही थी, बट विदाउट सपोर्ट के अलावा देखो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, गलत तरीके से नहीं, अपने अपने टैलेंट के बेस पे काम कीजिए, अपनी फैमिली को साथ लेके चलिए। तो मेरा मानना देखिए यही है कि मैं नहीं बोल सकती अब, जो हो गया है सो हो गया है, लेकिन आकांक्षा दुबे जी को भी तक इंसाफ नहीं मिला है, और बस इस बात का दुख है मुझे। उनकी माँ जो है रोज जो है अभी भी देख रही हूँ कि इंटरव्यू दे रही हैं, जितना लड़ने की उनकी क्षमता है वो लड़ रही हैं अपने हक के लिए, अपनी बेटी के हक के लिए। लेकिन ये सरकार, मैंने लास्ट टाइम बोला था एक चैनल पे, अभी लास्ट इंटरव्यू दिया था मैंने चर्चा के माध्यम से, पब्लिक, जनता जनार्दन को अभी तक, लेकिन कुछ कह नहीं सकते अभी तक जो है। तो सरकार तो उठा के जेल में डाल ही दिया समर को, तो क्या और डालने से क्या, उनको उम्र कैद करने का प्रोसेस तो चल ही रहा है। उम्र कैद करेंगे, लेकिन वही मैंने देखा है अभी 2-3 दिन पहले कि उनका गाना रिलीज हुआ है, मतलब इसमें भी खिचड़ी पकड़ी है ना सर, बस खिचड़ी पकड़ी है और कुछ नहीं है। उनको फिर बेल कर देंगे, दे देंगे बेल, उनको आजाद कर देंगे। क्या होना चाहिए, क्या करें समर के साथ? समर के साथ उनको फांसी दे देनी चाहिए, फांसी। तो फांसी तो कानून के तहत ही होगा ना, तो क्योंकि तमाम धाराएं हैं, तमाम संस्थाएं हैं, तमाम प्रोसेस होता है उसका पूरा, मतलब जांच होगा, जो तथ्य निकल के आएंगे। जो सर कब होगा, नहीं आप मुझे बताइए कब होगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप लोग भी कब तक लड़ेंगे, आप मुझे बताइए कब तक लड़ेंगे, आप कब तक ऐसे सवाल जवाब करते रहेंगे? आज मैं बैठी हूँ, कल कोई और बैठेगा, हमेशा कोई ना कोई बैठेगा। मतलब ये जो है एक आकांक्षा दुबे जी का टॉपिक ऐसे बना दिया गया है जो कि मर्डर हो गया, सुसाइड हो गया, ठीक है मान लिया कि उनके साथ में गलत हुआ है, लेकिन कब तक होगा आप मुझे बताइए, आपसे मैं चाहती हूँ जवाब, आप बताइए। सुनिए, आप जो है एक एक्ट्रेस हैं, ठीक जी, और एक एक्ट्रेस के साथ दुर्घटना हुआ है, तो जो फील आपको हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ आप लोगों की आवाज़ को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो वो चीज़ हम जानना चाहते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, हमें भी पता है कि शासन प्रशासन अपने हिसाब से काम कर ही रहा है, लेकिन जो एक फील होता है, जो एक प्रोसेस होता है, उसके तहत और एक मॉडल होने के तहत आप जो है अपना व्यक्तिगत विचार दे सकती हैं, या ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप उसमें कुछ कर सकते हैं, क्या मानना है आपका? सर मेरा मानना बस ये है कि जल्द हो, जैसे भी हो जल्दी ही हो, और जल्दी आकांक्षा जी को, उनकी आत्मा को, वो हमें देख रही हो, हमें सुन रही हो, महसूस कर रही है, हम भी महसूस कर रहे हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं आज बोल तो रही हूँ, पता नहीं ये पावर्स कहाँ से आती है, मैं थोड़ी डिस्टर्ब सी रहती हूँ आजकल कि यार लोग, जितनी मेरी बहनें हैं वो हमेशा अपने हक के लिए आवाज़ उठाती हैं, उन लोग का भी काम इतना मंदा हो रखा है इस टाइम कि वो आकांक्षा जी, हाँ दबाव सा बन गया है कि उन्हें भी कोई टारगेट ना करे। देखिए मुझे बस इस बात का दुख है कि कब मिलेगा इंसाफ आकांक्षा जी को, उनकी उनकी माँ को, उनके परिवार को, या जो भी है, कब मिलेगा इंसाफ सर? क्या सब लोग सो चुके हैं क्या, कोई सुनने वाला नहीं है क्या, आप मुझे बताइए। यूपी बिहार की जो सरकार है वो सो चुकी है क्या? योगी जी अगर सुन रहे हो, मोदी जी अगर सुन रहे हो, तो इस बेटी की आवाज़ ज़रूर सुनिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ दिल से कि एक माँ जो है अपनी बेटी के इंसाफ के लिए दिन रात जग के, अपनी बेटी के लिए, जो आकांक्षा जी उनकी बेटी है, उनके लिए हक मांग रही है, तो प्लीज़ जो गुनहगार है, जो दोषी है, उसको जल्द ही सज़ा सुनाए सरकार हमारी। और मतलब जो मतलब उचित जो व्यवस्थाएं होती हैं सरकार की तरफ से, या जो उचित कार्रवाई है उसको किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी।
बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी, आपने कीमती समय दिया है। चलते चलते आखिरी में कुछ कहना चाहेंगी? क्या बोल सकते हैं सर, हिम्मत तो ऐसे भी टूट सी गई है। पता नहीं, रोज अभी भी फील ऐसा ही होता है कि हम रोज इंटरव्यू देते हैं, पब्लिक के बीच में कुछ ना कुछ लाते रहते हैं, लेकिन आकांक्षा जी नहीं है हमारे बीच। आकांक्षा जैसी पता नहीं कितनी अभिनेत्रियों के साथ अभी क्या क्या होना बाकी है। मैंने लास्ट टाइम ये चीज़ें बोली थी, लेकिन मैं क्या बोलूँ, एक दर्द होता है यहाँ और दिल में कि वो लड़की जो है हमारे बीच में नहीं है, और इतनी अच्छी आर्टिस्ट होने के बावजूद भी ये हाल है कि अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला। और कमजोरी हमारे सामने है हमारी जनता जनार्दन, जिन्होंने अभी तक उनको सपोर्ट नहीं किया है। सिर्फ टैग कमेंट करने से नहीं होता है कि जस्टिस फॉर आकांक्षा दुबे, जस्टिस फॉर आकांक्षा दुबे, नहीं, आंदोलन, आप सभी लोग को आंदोलन करना पड़ेगा। अब उठा लो हाथ में एक कैंडल और एक दिन सिर्फ और सिर्फ आकांक्षा दुबे जी के नाम कर दो, उनके हक के लिए आवाज उठा दो। मैं, आप और हम सभी लोग मिलके आकांक्षा जी की जो आत्मा है और उनको बस उनके हक के लिए जितने भी हम लोगों ने आवाज़ उठाई है, बस उनको खुश करने के लिए जितना हमसे होगा हम उतना कर ही सकते हैं उनके लिए। लेकिन अभी तक वो ऊपर बैठ के वो सब सुन रही हैं कि कौन सच के साथ है और सच के खिलाफ है। मैं इतना जानती हूँ सर, सच के साथ तो मैं हूँ। आज मेरा ये वीडियो पब्लिक देखेगी, क्या पता आज के इंटरव्यू के बाद मुझे काम ना मिले, पर कोई बात नहीं। काम क्यों नहीं मिलेगा, काम से कोई संबंध? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा हर चीज नहीं होता है, उससे बड़ी चीज होती है एक सच का साथ देना। मैं आकांक्षा जी जितना भी होगा आपकी माता से मिलूंगी। इसका मतलब है कि जितनी भी अभिनेत्रियां हैं, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, इन सब पर दबाव है कि इस प्रकार के मामले को ना उठाया जाए। बिल्कुल दबाया जा रहा है सर, उनको भी अलग से कॉलिंग धमकाया गया कहीं से? अभी तो मुझे कॉल नहीं आया है और मैं घंटा डरने वाली, जिस दिन कॉल आ गया ना उस दिन तो मैं स्क्रीनशॉट मार के सभी चैनलों पे वायरल कर दूंगी, क्योंकि मैं निडर लड़की हूँ। छोटी जरूर हूँ लेकिन मैं निडर हूँ। पहली बात, जब गलत नहीं किया और गलत लोग का मैं साथ कभी दे नहीं सकती, क्योंकि मैंने भी अपना दिन देखा है। अक्षरा सिंह जैसी एक शेरनी जब दहाड़ सकती है तो वो तो खैर, हम तो बहुत छोटे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सच के साथ रहें, सच को अपने साथ लेके चलें और आकांक्षा जी के साथ रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दोस्तों आप ऐसे ही बने रहिए बीसीटी पर, हम मिलेंगे नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।